ओ गॉड, पार्टी में भी जाना है और टाइम भी कम है, ऊपर से हेयर और फेस, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं किया है. क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कोई आइडिया? ओके यस, आई एम रेडी. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई. मैजिक है भाई, मैजिक से हर कोई रेडी हो जाता है. और अब आप डिफरेंस देख लो, पहले के फेस में और अब के फेस में कितना डिफरेंस है. ऑलरेडी तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अब जा रही हूँ पार्टी में, और मैं आपके लिए वीडियो छोड़ के जा रही हूँ. आप देख लीजिएगा मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है और मैंने क्या क्या यूज़ किया है. डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है सारे प्रोडक्ट, आप प्लीज़ देख लीजिएगा. बाय. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन बाय थॉट्स. सो गाइस, इट्स मी वर्षा. सो फ्रेंड्स, स्टोरी तो आप लोगों ने देख ली होगी, कब कैसे कब कहाँ कैसे क्या शुरू हुआ था. और अब बारी है मेकअप. तो आप सोच रहे होंगे कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है. मैंने ज़्यादा कोई मेकअप भी नहीं लगाया और फटाफट यू नो टाइम के अंदर ही अंदर आप फटाफट ये लुक अचीव कर सकते हैं. तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा देखने के बाद, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो लेट गेट स्टार्टेड. विंटर स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, और फेस के केयर करना शुरू कर दीजिए. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल. ये समर और विंटर दोनों में बहुत हेल्पफुल है. मैं फेस के साथ साथ अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट करूँगी. देन उसके बाद मैं इनसाइड का प्राइमर यूज़ करूँ. 3-in-1 यार प्राइमर है, आपको प्रोटेक्शन, मॉइस्चराइजर और प्लस प्राइमर तीनों चीज़ मिल रहा है. अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी और आप देख सकते हो. देन उसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ. शेड जो है गोल्डन कैरमल है. मेबेलिन फिटमी के फाउंडेशन में आपको सारे शेड सारे टोन में मिल जाएंगे, सारे अवेलेबल्स हैं. और मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी और आप देख सकते हो एक तरफ का फेस और मेरे राइट साइड का फेस अब कितना डिफरेंस है. और मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी, डिफरेंस आप देख सकते हो. देन उसके बाद मैं कम्पैक्ट पाउडर से, कलर बार के कम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने फेस को सेट करूँगी, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन और सेट करना तो बहुत ज़रूरी है. तो मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी. देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी ब्राउज से. तो मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना का ब्राउज कलर, और मैं एक ब्राउन शेड को पिक करूँगी और उसे अपने ब्राउज को फिल करूँगी. डायरेक्टली मैं ज़्यादा एक जगह नहीं लगाऊँगी, और ना ही एक जगह लगाना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह लगाओगे तो उसे फिल करने में बहुत दिक्कत हो जाती है. और एक शेप लेते हुए मैं अपने ब्राउज को शेप दूँगी और फिल करूँगी. कोई भी यार लाइट कलर ले लो, पिंक ले लो, ऑरेंज ले लो, मैंने तो ऑरेंज ले लिया. उससे आप अपने आई शेडो को लगा लो. देन उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर मेबेलिन हाइपर कल का मस्कारा. इतना अच्छा है कि आपको कोई आई लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसी सेम आईब्रो कलर से ही मैं अपने नोज को कंट्रोल करूँगी. गैस बहुत अच्छा है मेरा, आप अगर मेरे टोन में हो तो आप पे परफेक्ट जाएगा. ब्लश नहीं लगाऊंगी, हाइलाइटर यूज़ कर, जिस शेप में हाइलाइटर लगा रही हूँ आपको ऐसे ही लगाना है. बाद में देखेंगे आपके फेस पे कितना ग्लो करता है. नोज़ पे और नोज़ ब्रिज पे मैं दोनों पे लगाऊंगी, क्योंकि जब एक हाईलाइट होगा ना नाइट में भी और डे में भी और पार्टी में, तो यार मज़ा ही आ जाएगा देखने के बाद. डार्क कलर के मैं लिप कलर लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सारा मेकअप लाइट है. तो मैं मरून लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है ये. आप वाइन कलर भी इसको बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, आप देख सकते हो. प्लीज़ लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र या लिप्स पे कोई भी लिप बाम ज़रूर लगाइएगा. फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे. हेयर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी क्या दिखाई दे रही हूँ. आप जितने बाल मेरे ऑलरेडी उलझे थे, आप उनको मैं और उलझा लूँगी, क्योंकि बैक कॉम करूँगी ना तो और लोगों को भी प्रॉब्लम होगा. बिकॉज अगर जो बिगिनर्स होंगे वो बैक कॉम करेंगे तो हो सकता है वो बाद में उलझा ना पाए. सारे बालों को लेकर बन तैयार कर ली जैसे मैंने किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कितने मैशी मैशी लग रहे हैं. अब बन को सिक्योर करना, सिक्योर आप
कोई क्लिप ले लीजिए या बॉबी पिन ले लीजिए, उससे सिक्योर करिए, जैसे कि आप नाचो गाओ उठो बैठो आपके बाल नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बाल बिगड़ेंगे, एक हेयर स्टाइल तैयार हो जाता है, पोपट हो जाएगा बाद में। थोड़े से बालों को और मैं हल्का हल्का फुला लूँगी, देन उसके बाद आप ऐसी कोई लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी नहीं है तो आप वो ब्रश ले लीजिए, और साइड के आपके कान के पास जो हेयर्स होते हैं आप उन्हें निकाल लीजिए, दो लट निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। बचे कुछ जो ऊपर के जो पफ हैं आप हल्के हल्के उन्हें फुला लीजिए, और ठीक आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है और मैचली। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को, बाय, लव यू।